मासी जी उठिए, गेट अप। मासी जी ये तो इनके सोने का वक्त है। दरअसल हम इन्हें खाना बनाने के लिए कहते रहे। पर नानी जी, आपने देखा ये कैसे खुशी जी को ताने दे रही थी? अरे ताने मारना और सोना, ये तो मनोरमा का जन्म सिद्ध हक है। होगी दुनिया की सबसे बड़ी आलसी, पर दिल की बुरी नहीं है। एटलीस्ट सोते समय तो नहीं होगी। हाँ पर हाँ, ये बात तो है, आपन गलती कभी नहीं मानेगी, चाहे जो भी हो। बस मानेगी नानी जी, एक ना एक दिन मासी जी अपनी गलती जरूर मानेगी। मनोरमा बालिके उठ जाओ, मनोरमा बालिके उठ जाओ, आरती खत्म हो गई है। ये कौन बतिया रहा है? मेरे दरवाजे पे आके मुझसे क्वेश्चन करती हो? नॉट गुड, वेरी बैड। देवी मां, देवी मैया, उल्टा सीधा चढ़ाई थी का गला काहे बैठा है आपका? गले को बैठने दो, तुम खड़ी हो जाओ मनोरमा। जी जी जी, बताओ बताओ, तुम मेरी पूजा क्यों करती हो बालिके? काहे कि हम बहुत मानत है आपके, बिग फॉलो आर यू सी। झूठ नहीं। और बीवी भैया, ये तो बहुत ही गुस्से वाली है, मूर्ति माता हमेशा स्माइल करती दिखाई देते। मनोरमा, सब सच और डिटेल में बताओ कि तुमने कितने पाप किए हैं। मन में मत बोलो, जोर से बोलो। देवी भैया, हम आपको बाद में बताते थे, ईमेल मा, डिटेल मा, प्राइवेट मा। नो, अभी के अभी बोलो। हम बताते हैं, हम बताते हैं। देखिए आइसन है ना, हमका ये घर का काम तनको पसंद नहीं है। इस सब्जी बनाओ तो साफ सफाई करो, हमका बिल्कुल अच्छा नहीं लगते, एकदम डोंट लाइक। तो इसलिए हम यहाँ मंदिर में आके बैठ जाते ताकि उन्होंने कुछ बोल नहीं सकते। मनोरमा, वेरी बैड, और बोलो। और हाँ, एक बार वो पायलिया की शादी माँ जो वाजी है ना, हम उसके शरबत माँ थोड़ी मिलाए दिए रहे ताकि वो थोड़ी टिप्सी हुई जाए और डांस कंपटीशन में हार जाए। अब का करी देवी मैया, कर चुक जो है, अब जीते के लिए सब करना पड़त है, का करी। और बोलो देवी मैया, फटी साड़ी हमरा मत बले खुशी, जब पहली बार ये घर में आई रही साड़ी लेके, तो उस साड़ी में हम ही होलवा किए रहे और ऊपर से इहे का नाम रख दिए फटी साड़ी। वेरी बैड, इसका मतलब फटी साड़ी खुशी जी नहीं, तुम हो मनोरमा, तुम बालके, तुम। वो तो है ही है देवी मैया। मनोरमा, मूर्ति के पीछे जो भी हो, लेकिन आप अपन गलती तो मान चुकी है, अब खुशी बिटिया से भी माफी मांग लीजिए। नहीं नहीं नानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मामी जी, अब हमें ये नाम अच्छा लगने लगा है।
अरे सबके सामने हमारी लुटिया कड़क कर दी सही लौंडा, अब तो हम कहीं भी गहरी नींद में सो ही नहीं पाएंगे। सुनील सुनील बाहर हमसे दिखा दे तुमका पता है बराबर से। अरे हमें तो बेइज्जती हुई गई। लेकिन नानी जी आपने ये सब क्यों? तो और क्या करता खुशी जी, अगर ये आइडिया नहीं लगाता तो मासी जी कभी अपनी गलतियां मानती ही नहीं। अब देखो ना ऑटोमेटिक कन्फेशन, सब अपने आप चौकिया दिया। आपने देखा कैसे नानी जी ने मामी जी से सब कुछ उगलवाया? यूं शाम ऐसे हमारे पास एक प्लान है। Really? She's not gonna work. आपके पास कोई और उपाय है तो बताइए, वरना हमारा साथ दीजिए। क्या पता अर्णव जी ये सब करने से श्याम जी की असलियत सबके सामने आ जाए। अर्णव भैया, घर में पेंट करने के लिए पेंटर आए हुए हैं। हाँ। ये घर की पोताई करवाने का अचानक ख्याल आपको कैसे आई गवा छोटे? बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा दिवाली से पहले करवा लूं। तुम लोग घर देख लो, कल से काम शुरू कर देना। ठीक है। रानी साहबा, हमें कुछ जरूरी काम है, हम आते हैं। अरे नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं नहीं रानी साहबा, काम बहुत ही जरूरी है, हमें अभी करना होगा। हम चलते हैं। ये और इनका काम। ये क्या नई खुराफात है? अरे साले साहब को भी घर में अभी रंग रोगन करवाना था क्या? अगर घर में पुताई शुरू हो गई तो सारे कैमरास दिख जाएंगे और ये बात वो रंग लगाने वाले तुरंत साले साहब की नजर में ले आएंगे। कुछ दिनों के लिए हमें ये कैमराज हटाने ही होंगे, बाद में सोचेंगे कि साले साहब और खुशी जी पे नजर कैसे रखी जाए। कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल लेंगे।